So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, ICRSRF 2024 15 days study plan. So स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ICRSRF 2024 के जो अभी आपके एग्जाम टेंटेटिव एग्जाम डेट इन्होंने दे रखी है 15 जून, तो उसी के बेसिस पे आपके, क्योंकि आप देखेंगे यार 20 आपका 8 हो चुका है, 29 हो चुका है, 29 में हो चुका है, तो आपके पास जो टोटल डेज बचे हैं वो 17 डेज बचे हैं, तो उसी के बेसिस पे काफी स्टूडेंट का कंफ्यूजन है और क्वेरी भी आ रही है कि सब हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमने तैयारी की है, लास्ट जो 10 to 15 डेज बचे हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, तो उसी को मैं डिस्कस करूंगा। पहली बार हमारे चैनल को आप विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अपने फ्रेंड तक, बैचमेट तक, जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, जो भी आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट नो दे रखी है वो 15 जून दे रखी है, चाहे वो जेआरएफ का हो चाहे एसआरएफ का हो। और आप जानते हैं कि दो मीटिंग में एग्जाम करवाते हैं, फर्स्ट में ये लोग जेआरएफ करवा लेते हैं, सेकंड में एसआरएफ करवा लेते हैं, हो सकता है साथ करवा लें क्योंकि एनटीए का है तो एनटीए मैनेज कर लेता है सेंटर। तो मेन ये यहाँ पे स्टूडेंट का क्यूरी रहता है कि सर जो हमारे पास 15 डेज बचे हैं इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट के पास प्रेशर आता है, सबसे ज्यादा इसी में डिमोटिवेट होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कहीं वो मॉक टेस्ट सॉल्व करता है या कुछ क्वेश्चन आपको नया देखने उसको मिल जाता है, तो वो क्या उसके अंदर क्लियर बैठ जाता है, ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, तो जो पढ़ा रहता है वो भी उसका क्या है कि डिक्लाइन होने लगता है, तो एग्जाम फोबिया बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है अब आप वहीं तक पढ़िए, मीन्स आपने अगर 1 साल प्रिपरेशन की है, 6 मंथ प्रिपरेशन की है, 3 मंथ की है, 2 मंथ की है, उससे कोई मैटर नहीं रखता, मैटर नहीं करता, बस आपने जो भी पढ़ा है उसको आप कंसिस्ट रहिए, उसको माइंड में आप मेकअप बनाए रखिए, उसको रिकॉल करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, जब आप रिवीजन करेंगे तभी वो रिकॉल होगा। तो इस समय सबसे ज्यादा आपका फोकस किसको होना चाहिए, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आप जहां से भी आपने स्टडी मटेरियल को उठाया है, जो स्टडी मटेरियल को फॉलो किया उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप रिवाइज करें, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जितने भी पॉइंट को आप रिवाइज करेंगे वो क्या है आपको नए कॉन्सेप्ट उसमें से आपको देखने। पहला क्या है आपको रिवीजन पे ध्यान देना, सेकंड क्या है कि देखिए आपको बहुत ज्यादा नए टॉपिक्स पे आप नहीं जाना है कि आप ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें या नई बुक पे नहीं जाना, आपको जो भी बुक आपने पढ़ा उसी को आप वहीं तक अपने आप को लिमिटेड रखिए, वहीं स्टडी मटेरियल तक या उसी चैप्टर तक अपने आपको, मतलब क्या है कि अब आपको नया नहीं पढ़ना, ये टेंटेटिव एग्जाम डेट है, अगर आगे बढ़ती तो आप पढ़ सकते हैं, बट अभी जो मुझे नहीं लगता क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ने। थर्ड पॉइंट आपका आता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आपका जो माइंड सेटअप है वो बूस्ट होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो किसी भी बुक से आप सुनील विजी बुक से सॉल्व कर लीजिए एक्सटेंशन के लिए, या आप जेआरएफ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप के निर्मल रवि कुमार सर की फॉलो कर लीजिए, ये जेआरएफ की स्ट्रेटजी सेम एसआरएफ की स्ट्रेटजी रहती है, आप उसमें भी सुनील विजी को पढ़ेंगे, पुण्यस्वामी बुक आप फॉलो करेंगे उसमें एसआरएफ में, आप एसआरएफ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने हैंडबुक भी पढ़ी हो या श्रुति मैम की दोनों बुक आपने फॉलो किया ही होगा, जो भी मैटर आप करता है कि मैक्सिमम आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जैसे आपके पास मॉक टेस्ट अगर कहीं मिल जाता है, आपको कहीं से भी मिल जा रहा है, मॉक टेस्ट को आप लगाइए, ये सिर्फ आपको लगाना है उसमें, ये नहीं कि अगर आप उसमें आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, भाई एक दो में क्या है कि अप डाउन होता रहता है, बट कंसिस्टेंटली जितने आपके नंबर आ रहे हैं वो एक आपको क्या है कि कंसिस्टेंसी दे देते। ऐसा भी नहीं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट मैं देखता हूँ मॉक टेस्ट में उनके बहुत अच्छे स्कोर होते हैं बट फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो मॉक टेस्ट क्या है कि एक अपनी प्रिपरेशन को जज करने का, उस दिन आपका क्या माइंड आपका क्या करता है, किस हिसाब से आप क्वेश्चन को रिकॉल कर पाते हो, कैसे आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, वो एग्जामिनेशन हॉल का अलग मैटर होता है, बट क्या है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अब आपके आपको 10 दिन और आपको मॉक टेस्ट लगा देने। अब आपकी बात आती है जैसे कि एसआरएफ वाले स्टूडेंट हैं तो सेम उनको भी यही फॉलो करना, भाई आपको नया नहीं पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ा उसको आप रिविजन करते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, मतलब आप अगर आपने पढ़ा है तो अपने आप को एक, हाँ मैंने पढ़ा मेरा सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं क्या आपका। और ये भी है देखिए, जो भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपको एनटीएस सीट मिलती ही नहीं है, जेआरएफ सीट नहीं मिलती है, सारा सीट नहीं मिलती है, तो
तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा आपको अपना ये नहीं, आपको सोचना है कि आपका ये लाइफ का जो करियर था वो खत्म हो चुका, या आप कुछ और अचीव नहीं कर सकते, और भी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप अगर प्रिपरेशन आपने किया वो कहीं ना कहीं काम आएगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और क्या है कि अपने आप को जैसे क्या है कि बहुत ज्यादा कोई भी ग्रुप है या कहीं भी आप डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा सा उससे आप बचिए डिस्कशन, क्योंकि ऐसा होता है ना डिस्कशन में आपका समय भी वेस्ट होता है, कुछ नए आपको मैटर मिलेंगे उसको लेके आप फंसे रहेंगे, तो आपका जो आपने नोट्स बनाया है जो वो आप रिविजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आपको भी पता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मेजर ये था कि आप 15 डेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। ठीक है, कहने मतलब अगर आप 5 आवर्स या 3 आवर्स देते थे तो आप उसको डबल कर देना, या 10 दिन तो आप डबल कर, 10 डेज आप डबल कर दीजिए, 5 डेज में आप उसको फिर उठी भी लेगा, क्योंकि ये 15 डेज ही डिसाइड करेंगे आपकी रैंक को अप और डाउन करने में। सिलेक्शन तो आप पाओगे लेकिन आप चाहेंगे तो रैंक अप डाउन हो सकती है, इससे मतलब आपके रैंक में सुधार हो सकता है। मान लीजिए आप 30 आने वाले तो आप 20 ला सकते हो, क्योंकि लास्ट का रिविजन, लास्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व, लास्ट को अपने आप को कंसिस्ट बनाए रखना, लास्ट को अपने आप को मोटिवेट रखना, ये चीजें सबके बस का नहीं है। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना, जो अभी टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो 15 जून तक आपकी है, चाहे वो JRF का हो चाहे SRF की, किसी भी डिसिप्लिन को सेम सबको स्टडी फॉलो करना। बाकी एक और पॉइंट है, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिल जा रहे हैं तो उसको आप सॉल्व करेंगे इस समय, तो आपका और माइंड सेटअप पॉजिटिव होगा, आपका प्रिपरेशन जो बूस्ट होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा, इसके अलावा कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।